हमेशा रमन और हुरैन कहते रहे कि इसके पीछे परीक्षे है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन आज आज मुझे यकीन आ गया। गांव का हॉस्पिटल, यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक हेल्थ यूनिट है और वो भी 15-20 मिनट दूर। मैं दरअसल औरतों पे तशद्दुद के मौजू पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। मैंने कब कहा कि यार हम वहाँ वापस जा रहे हैं, मामा को मिलके वापस आ जाएंगे। लेकिन मामा मुझे वहाँ भेजने पर एग्री नहीं है। हुरैन, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी बात को मानना भी तुम्हारा उतना ही फर्ज है जितना अपनी मामा की बात को मानना। कुमैल ठीक कह रहा है हुरैन, तुम्हें वहाँ पे चले जाना चाहिए। मैंने रमल से भी कहा है, वो भी आ रहे हैं, हम सबको साथ मिलकर जाना चाहिए। यार तुम लोग को जाना तो जाओ, मैं बस अपनी मामा को नाराज नहीं कर सकती। यानी कि तुम्हारे लिए अपनी मामा की बात का भरम रखना ज्यादा जरूरी है। तुम बहुत पछताओगी हुरैन। पछता तो मैं उस दिन कर रही हूँ जिस दिन मेरी उस घर में शादी हुई थी। अगर मेरी मामा ना होती तो आज हम कहीं सड़कों पे धक्के खा रहे होते। ये कैसी बातें कर रही हो तुम हुरैन? ठीक ही तो बात कर रही हूँ, सब कुछ तुम्हारे सामने है, मैं इसका फैसला मान भी लेती, लेकिन मेरी मामा जो मुझे कहती है वो सब ठीक कहती है। बस कर दो यार, अपनी लॉजिक अपने पास रखो। तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। अगर मैं आज गांव ना आती तो मैंने कभी यकीन नहीं करना था कि गांव ऐसे भी होते हैं। ज़ारा, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया, एक गांव के लोग हैं और गांव सब कुछ ऐसे ही है। गाड़ी गर्म हो गई है। क्यों? रेडिएटर में पानी नहीं था, इसकी वजह से मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। एक काम करो, जैसे पानी पकड़ाओ मुझे। लेकिन अरहा मुझे देर हो रही है। टाइम की फिक्र मत करो, अपने रिसर्च को यूजफुल बनाओ, पानी पकड़ाओ मुझे। हो जाएगा ना, हम टाइम से घर चले जाएंगे ना। कूलर होने दो, हम यहाँ पे वेट करते हैं 10 मिनट, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी ये ठंडी होगी तभी घर जाएंगे। Thank you.
क्या मुसीबत है, कितनी देर है? ज़ारा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही उसको करने की। स्टार्ट होने के काबिल होती तो बंद क्यों होती? तुम्हें नहीं पता, अगर मैं वक्त पर घर ना पहुंची तो मुझे क्या फेस करना पड़ेगा? सब घर वालों को पता चल जाएगा, मुझे दोबारा घर से निकलने भी नहीं देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया? गाड़ी ये बंद हो गई है। तो क्या जरूरत थी इस तरह की गाड़ी लेकर आने की? यार प्लीज कुछ जल्दी कर लो, मामला ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा आइडिया था शाम से पहले हम घर पहुंच जाएंगे, मैं क्या करूं इस चीज का? ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तो मुझे दूसरे का स्कूल दिखाने लेकर जाते, ना ही सब कुछ होता। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से हुआ है ना? स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ तुम 4 घंटे तस्वीरें खिंचवाती रही हो, उनके इंटरव्यू लेती रही हो, शाम कर दी तुमने वहां पे। तुम्हें पता भी वो पिक्चर्स और इंटरव्यू मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मेरे थीसिस के कितने काम आएंगे? तो फिर सब कुछ घर वालों को बताना चाहिए था ना? बताया था, पीछे को बताया था, उन्होंने बोला था तो यूनिवर्सिटी टाइमिंग खत्म होने से पहले घर आ जाना, मेरी वजह से वो भी फंसेंगी। हेलो, हाँ मेरी गाड़ी बंद होगी रूही नाले के पास, ड्राइवर को भेजो गाड़ी लेके आए यहाँ पे, अभी भेजो। मैंने कॉल कर दिया, ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है। अब क्या करेंगे इस वीराने में, बुरी तरह फंस गए हैं। तो तुम क्या प्ले ग्रुप के बच्चों की तरह रो रही हो? हिम्मत से काम लो, रो आप। हिम्मत से काम लो, चाहे जान निकल जाए। ज़ारा, इतनी सी बहादुरी थी तुम्हारी। मैं डरपोक नहीं हूँ, समझ आई? परीक्षा ये देखो, ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था, ये परीक्षा क्या हो गया? मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तुम आओ। मैं ये सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ, तुमसे मशवरा लेना चाह रहा हूँ, और तुम काशान आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में हम 4 मरतबा पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे लिए तुम्हारी राय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जानती हूँ काशान, लेकिन मैं भी तो कंफ्यूज हूँ कि डिनर में क्या बनेगा, और आप तो जानते हैं विक्की के साथ कितना सर खपाना पड़ता है। जो दिल करे बना लो प्लीज। अच्छा प्लीज नाराज मत हो, मैं डिनर बना लूँ, उसके बाद आप सारी रात मेरा सर खाइएगा, ठीक है? कहाँ हो, अभी तक पहुंची नहीं? वो प्रेशर एक्चुअली गाड़ी किसी वीराने में स्टक हो गई है। क्या हुआ, क्या है? मुझे नहीं पता, आरम को भी समझ नहीं आ रही। मेरे खुदा, अब क्या होगा? मुझे तो खुद डर लग रहा है। अच्छा डरो मत, हौसला करो और आरम से कहो कि अपने गांव से दूसरी गाड़ी मंगवा ले, जल्दी करो। आरम ने फोन तो किया है, आ रही है दूसरी गाड़ी। तुम्हें वक्त पे घर पहुंचना है, जल्दी करो, कोशिश करो कि तुम जल्दी से जल्दी आ सको। काशान भी घर आ चुके हैं और तुम्हारा पूछ चुके हैं वो। क्या पूछा काशान भाई ने? वो छोड़ो और अपनी फिक्र करो, तुम्हें जल्दी घर पहुंचना है वरना सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा यूं चोरी चोरी गांव जाना पकड़ा जाएगा, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। ये जो नई मुसीबत आ गई है, मेरी तो फोन की बैटरी भी डेड होती जा रही है। ओह गॉड, अब क्या होगा? अच्छा चलो खैर, घबराना मत और हमसे कहो कि कुछ करे जल्दी, ओके? कहा तो है मैंने। एक बंधन